सो ये ले जा रहे हैं छाया में बैठने के लिए अपनी खटिया। और छाया दिखाती हूँ मैं किस चीज़ की, देखो कटहल, कटहल ही कटहल लगे हुए हैं यहाँ, देखो लाइन से इतने सारे कटहल लगे हुए हैं। मिस्टर कटहल के पेड़ के नीचे लेटेंगे अब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोगों को जाना है घर, एंड जो भी प्रोग्राम था वो सब खत्म हो गया है। और अभी सुबह जो भी रहता ना, जो भी मतलब भाभी के मायके से आता है डस्टबिन में ना, तो वो सब दिखाते हैं, बाहर रख देते हैं, एंड बस वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। एंड सुबह का नाश्ता पानी चल रहा है, तो अभी चलते हैं हम घर चलते हैं एंड वहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि कल हमको फिर निकलना भी है दिल्ली के लिए। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, एंड ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। और यहाँ पे थोड़ा सा गाना बजाना भी चल रहा है गाने का, एंड रात में भी ना बहुत लेट तक गाने का एंड डांस का बहुत देर तक प्रोग्राम चलता रहा। अभी ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं एंड वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो हमारे यहाँ अभी समदिन, मतलब जो लड़की के यहाँ से जो सास वगैरह को बुलाते हैं, यानी कि उनको बोलते हैं समदिन, तो उनको विदा करेंगे एंड उनका जो भी होगा वो आगे आगे ब्लॉग में बने रहिए, तो आप लोगों को दिखेगा कि हमारे कैसे क्या करते हैं, मतलब किस तरीके से उन लोगों की विदा करते हैं एंड कैसे कैसे क्या करते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी ब्लॉग में देखने के लिए, तो ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। एंड ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो दीदी क्या करें, पपीता काट के दे रही है सबको। हाँ कटहल। सो यहाँ पे पोहा बन गया है नाश्ते में, और मैंने और जीजा जी दोनों ने मिलके ये पोहा बनाया हुआ है, एंड अब सबके लिए सर्व करेंगे एंड उसके बाद सब लोग नाश्ता करने के बाद सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। सो यहाँ पे ये देखिए पापा जी निकाल रहे हैं सबके लिए, पापा जी और मम्मी जी सब लोगों के लिए नाश्ता निकाल रहे हैं। एंड गाइस सुबह से ही ना इतनी तेज़ वाली धूप होने लग जाती है, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, 7 ही बज रहे हैं और 7 बजे देखना कितना तेज़ धूप हो रही है। सो यहाँ पे सारे रिश्तेदारों को नाश्ता सर्व किया जा रहा है, एंड उसके बाद फिर जो भी मतलब कि भाभी के जो मायके से सामान आता है ना, उसको बाहर ऐसे खटिया पर फैला देते हैं, और सारे लोगों के लिए मतलब सब लोगों के लिए जो फैमिली मेंबर रहते हैं सबके लिए गिफ्ट्स आते हैं यहाँ पे, साड़ी कपड़े या बच्चे के लिए, और सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ आया हुआ था, तो वही सारा सामान था वो सब लोग देख रहे थे। एंड कई लोग जा भी चुके थे, कुछ अपनी तैयारी में थे जाने के लिए। और ये है हमारा क्यूट सा बेबी जिसका डस्टबिन था, और ये देखिए अभी 6 मंथ का हो गया है ये। और गाइस यहाँ पे ये देखिए, सो सब लोगों ने नाश्ता करने के बाद अभी जाने की तैयारी हो रही है, एंड सब लोग विदा करने में लगे हुए हैं समदिनों की। और यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, समदिनों को मतलब जो मामी ने भी अपनी तरफ से कुछ दिया है इनको, साड़ी वगैरह है ना, तो वो सब लोगों को साड़ी दी हुई है, मतलब मामी जी की 3 बेटियां हैं, तो तीनों की समदिनों को बुलाया हुआ था तीनों की। और यहाँ पे सबको कपड़े दिए उन्होंने, मतलब जितना भी उनसे बन पड़ा उन्होंने किया है। और लेना देना तो यार चलता रहता है, लाइफ टाइम सब मिलते हैं जुलते तो अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। देखिए सबको साड़ी दी है ना, सब लोगों ने पहनी वो साड़ी, मतलब किसी इंसान को हम कोई चीज़ दे रहे हैं और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो सब लोगों ने साड़ी पहनी वो जो मामी जी ने दी थी, एंड सारे देखे सब लोग पहन के खड़े हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना, सब लोग साड़ी पहन रहे हैं। इधर देख मैं इसको मेरे से फेंट करके जा रही है। तुम्हें अकेली रहने देने बेटो आ जाओ, बाय बाय बोलो। जाते जाते भी गाना गाते जाना है। पान को यहीं छोड़ जाओ, अन्नू को यहीं छोड़ जाओ। ले अभी पैसा, ले अभी पैसा, ले।
मम्मी की है पैसा। अच्छा बैठ जाओ तो कछु नहीं। हाँ उठा उसको उठा, कितने उठा उठा, 9 किलो है, 9 किलो उठा, 9 किलो का वजन, 9 किलो उठा के देखो, पकड़ के देखो, पकड़ के देखो, पैर पे नहीं गिरा दियो। एक जने पकड़ो तो पता चले। डंबल का काम करेगा। हाँ गोली है ना वो तोप वाली बड़ी गन की। हाँ इतनी बड़ी तोप गोली चलता ही। हाँ वो यही साथ टूटा था दीवार है दादा। अरे फोन कर दे कहाँ जाते हैं। चलो चलियो पतिदेव को दो दो बार टीका हो रहे हैं, एक बार मायने किया एक बार विजन कर रहा है। मैंने सुनती से कही थी कि पड़े छोड़ बंद की हमारे अरे कान खराब हो जाएगा। सो हेलो गाइस, अभी हम लोग आ गए थे दोपहर में आ गए थे वहाँ से मामा जी के घर से आने के बाद, अब खाना वगैरह खाया एंड उसके बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं ना तो नींद वगैरह पूरी नहीं हो पाती, तो वहाँ से आने के बाद खाना खाया उसके बाद सो गए थे। एंड दोपहर में फिर पता है मैंने क्या काम किया है, सबसे बड़ा वाला काम कर दिया सच बताऊँ मैंने आज ना, ये देखो मेरे लाइन से बैग रखे हुए हैं, मेरी बैग पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ी बहुत और रह गई है तो वो मैं रात में करूँगी। एंड अभी पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ गांव में ना छोटा सा जो मेला लगता है वहाँ पे जा रही हूँ वो देखने के लिए। खुली है गाड़ी? कोई बात नहीं, वो साफ हो जाएगी, हम लोग जा रहे हैं खुली है गाड़ी, देखने साफ के लिए हो जाएगी। आम के नीचे रखे, आम ही आम गिर जाएंगे गाड़ी में, वो रखी हुई है। हम लोग जा रहे हैं बेदी देखने के लिए, बेदी मतलब होता है गांव में लगता है जो छोटा सा मेला, मतलब सामान वहाँ पे सब मिल जाता है, तो जा रहे हैं कुछ खा पी के बस आ जाएंगे। एंड देखो हम तीन लोग जा रहे हैं, देव जा रहा है हमें छोड़ने के लिए और हम दोनों ही जा रहे हैं। ये देखो पैंट अभी से सही होने लग गया रास्ते से। बैठो चल। चलो ये लगी हमारे यहाँ की बेदी पेड़ के नीचे। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. मैंने बोला था ना बेदी में जलेबी खाने आते हैं, लाई के लड्डू, हम लाई के लड्डू, और ये देखो लड्डू पहले लगे हुए हैं। फंसूंगी नहीं, इतना तो मुझे आता है। फंस गई, देख पप फंस गई। चलो निकल गए हम फाइनली, अब जाएंगे हम खेतों में ऐसे होते हुए पैदल पैदल। हमने खाया मेले में समोसे जलेबी और पानी टिक्की बस,
और कुछ नहीं खाया। और बस इतना खाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं दोनों पैदल, मतलब उधर से आया था देव छोड़ने के लिए, एंड वो लोग उधर ही हैं, वो लोग पानी टिक्की पी रहे हैं एंड हम दोनों जा रहे हैं पैदल। ये देखो ये जलेबी की थैली लेके जा रहे हैं। किधर जाना है अपन को? उधर से नहीं जाते? नहीं नहीं यहीं से जाते। देखियो अपने आप पर 30 मार का सामने, कपड़े तो ऐसे पहने। चल निकल, हाँ देख छेद लेना, और छिल गई ना एक बार तो मैं डबल छिलाऊंगा फिर। देख नीचे नीचे पकड़ लो, आप कैसे निकलोगे? मैं अपने आप निकलाऊंगा, तुम्हारे जैसे नहीं है हिसाब किताब। मैं तो और ऊपर से निकलने की सोच रहा था। अब देखो पतिदेव निकले निकालने वाले, लास्ट चले भी मैं ले लेती हूँ। ऐसी क्या बेदी देखना जो इतने उसमें आना पड़ रहा है निकल निकल के। ये देखो चरा से छेद में से निकल के आना पड़ रहा है। आराम से रुको, हाँ निकल गए आराम से देखना। करेंगे थर्ड पड़ाव पार, शाबाश। ये देखो अब निकलेंगे हम। नहीं यहाँ का तो फिर भी सही है, वो बीच वाला जो था ना इससे पहले वाला वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बैठ के निकलना पड़ रहा था। आगे आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करनी है। सो गाइस वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग समझ सकते हो मुझे नेक्स्ट डे निकलना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पैकिंग है और भी कुछ है, तो मैं आगे आप लोगों को शेयर करूँगी एंड इसका यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए मुझे।